हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अटैक वर्ल्ड। मैं हूं मुरली। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों डुप्लीकेट वोटर आईडी किस तरह एप्लीकेशन किया जाता है, वो भी ऑनलाइन, वो भी इस वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के जरिए। तो दोस्तों, अगर आपको नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। इसी एप्लीकेशन के जरिए सिर्फ 5 मिनट में आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा और वोटर आईडी कार्ड आपके घर पर 15 दिन पर आ जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल मैं आज इसमें आपको डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड किस तरह इश्यू किया जाता है वो देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपका कार्ड लॉस्ट या टूट जाने पर आप इसे डुप्लीकेट इश्यू करवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। ये इलेक्शन कमीशन द्वारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है दोस्तों। तो फिलहाल मैं यहाँ पर फॉर्म्स ओपन कर लेता हूँ। फॉर्म्स में आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन न्यू वोटर आईडी कार्ड यहाँ से आप कर सकते हो, या ट्रांसफ़र या शिफ्ट हुआ हो तो आप एड्रेस चेंज वगैरह यहाँ से कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो यहाँ से आप, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, आपके वोटर आईडी पे कुछ भी चेंजेस करना है आप यहाँ से कर सकते हो, और ट्रांसपोजिशन करके एक फॉर्म है। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट वोटर आईडी इश्यू करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा इश्यू ऑफ रिप्लेसमेंट इलेक्ट्रल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो फिलहाल यहाँ पे मैं क्लिक कर डालता हूँ, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं दोस्तों। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों आपका स्टेट का नाम दे देना है। तो फिलहाल मैं गुजरात से हूँ तो गुजरात कर देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको जोन सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गांधीनगर साउथ है तो मेरा गांधीनगर साउथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए दोस्तों। तो आपका जो पुराना वोटर आईडी कार्ड है उसे लेके ही साथ में बैठिएगा इस एप्लीकेशन को करने के लिए। तो जैसे नेक्स्ट कर दोगे दोस्तों, कुछ इस तरह से आपके सामने एक पेज खुलेगा। तो यहाँ पर आपको एपिक नंबर डालना है, तो आप अपना जूना पुराना वोटर आईडी कार्ड लेके ही साथ में बैठिएगा इस एप्लीकेशन को करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगे इसमें। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सारे डिटेल्स आप भर दीजिएगा आपके वोटर आईडी के हिसाब से, पुराने जो वोटर आईडी है उसमें से देख के डिटेल्स आप इस तरह से भर सकते हो। इसे भरने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। तो जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपको सेकंड पेज में ले जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे सारे एड्रेस डिटेल्स देने हैं आपको। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और दोस्तों आपका एड्रेस डाल देना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैंने एड्रेस फीड कर दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूं। तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको यहां पे फैमिली डिटेल्स डालना है, जो आपके वोटर आईडी पे जिसके साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है। जैसे कि फादर नेम हो तो फादर नेम डालना है, हस्बैंड नेम है तो हस्बैंड नेम डालना है। फिलहाल मैं यहाँ पर फादर नेम डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर फैमिली डिटेल्स मैंने डाल दिया है। इस तरह से आपको फीडअप कर डालना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही हमने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे फोर्थ पेज पे आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप रीज़न फॉर अप्लाइंग फॉर डुप्लीकेट कार्ड, तो यानी आपका रीज़न जो डुप्लीकेट कार्ड के लिए है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे कि किसी का, जैसे कि मेरा कार्ड लॉस्ट हो गया है तो मैं यहाँ पे लिख दिया है कि आई हैव लॉस्ट माई वोटर आई डी कार्ड सो आई वॉन्ट टू रीइश्यू द सेम। तो आप भी ये रीज़न लिख सकते हो, या आपका वोटर आई डी कार्ड टूट चुका है तो आप यहाँ पर वो रीज़न भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप एपिक कलेक्शन कहाँ पे करोगे उसका ऑप्शन है दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे घर के एड्रेस पे ही आ जाए। तो आप चाहो तो दूसरा रीज़न भी यहाँ पे नीचे से सेलेक्ट कर सकते हो। आई विल कलेक्ट एपिक फ्रॉम VRC यानी सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके नज़दीकी वार्ड से भी आप कलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ये अपने घर पर ही रिसीव करना चाहता हूँ, तो मैं ये ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों और नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर इसमें एक डिक्लेरेशन दे देना है दोस्तों कि अगर आप में हमारा ओरिजिनल मिल जाएगा तो हम उन्हें रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए दोस्तों, और तो यहाँ पे आप प्लेस मेंशन कीजिएगा। फिलहाल मैं अहमदाबाद से हूँ तो फिर मैं अहमदाबाद प्लेस मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पर डेट मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। फिर यहाँ पर ओके करके डन कर दीजिएगा दोस्तों। तो एक बार आपको यहाँ पे प्रीव्यू आ जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो। तो वंस आपने दोस्तों वेरिफिकेशन कर लिया है, तो यहाँ पे चेक करने के बाद यहाँ पे कंफर्म में क्लिक कीजिएगा, बस ये प्रोसेस होगा दोस्तों।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने वोटर आईडी के लिए डुप्लीकेट एप्लीकेशन की थी वो सक्सेसफुली हो गया है दोस्तों। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेटेड 21/10/2019 योर रेफरल आईडी। तो इसको दोस्तों मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो अब ये मेरा एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो मुझे ये 10 से 15 दिन में मेरे घर पर वोटर आईडी कार्ड, डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड मुझे मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे आपको रिसिप्ट भी मिल जाएगा, तो रिसिप्ट की भी मैं फ़िलहाल स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये मेरे रिसिप्ट मेरा डाउनलोड हो गया है और यहाँ पर स्टोर हो गया है। तो आप देख सकते हो ये है मेरा रिसिप्ट जो मैंने एप्लीकेशन किया है। तो ये रिसिप्ट मेरा डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये था आपके लिए डुप्लीकेट वोटर आईडी किस तरह अप्लाई किया जाता है दोस्तों। इसके आगे मैंने न्यू वोटर आईडी किस तरह रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसका भी वीडियो बनाया है दोस्तों। वो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों उस वीडियो की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।